समाजसेवी एवं इंडियन नेशनल लोकदल की भिवानी विधानसभा हल्के से पूर्व उम्मीदवार निर्मला सराफ की कोठी को सील कर दिया गया है। दिल्ली की कोटक महिंद्रा की टीम भवानी पहुंची। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट संजय बिश्नोई की अगुवाई में बैंक अधिकारियों की टीम ने कोठी को सील लगाई। वहीं निर्मला सराफ ने भी बैंक प्रबंधन की इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए हंगामा किया। यह वाक्य गुरुवार का है। वहीं जिला उपायुक्त से दिल्ली के कोटक महिंद्रा बैंक प्रबंधन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। उपायुक्त से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मिलने के बाद ही बैंक अधिकारियों की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट संजय बिश्नोई ने कहा कि यह मामला कोटक महिंद्रा बैंक का लोन चुकाने का था। लोन के नियमों के तहत घर को सील किया गया है। बैंक अधिकारियों द्वारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मांग की गई। हमने पुलिस की सहायता से शांतिपूर्वक ये कार्य किया है। भिवानी से जार टीवी न्यूज के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट। सीलबंदी को लेकर नहीं, वो बैंक का ही विषय है। वो पैसे कब भरते हैं या बैंक से क्या उनकी बातचीत होती है, वो बैंक के ऊपर आने पड़े। हमारा तो लॉन ऑर्डर को लेकर ही मामला रहता है। तो इस पर पुलिस प्रशासन की मदद भी ली गई है सर? हाँ, पुलिस प्रशासन की मदद के लिए तो नायब साहब है। कौन से भी डिस्ट्रिक्ट का? भिवानी में तो है नहीं सर ये, बट कोटक महिंद्रा में। कोटक महिंद्रा दिल्ली की ब्रांच थी। दिल्ली से आपके पास थी? थैंक यू।